welcome dear students we have started with the types of PCR and in our last lecture we have discussed about the nested PCR now in this lecture we will discuss our second type of pcr that is hot start PCR let's revise about the nested PCR, ki humne nested PCR the nested PCR we have discussed that it consists of Two types of primer or two pairs of primers. The first set is or first pair was outer primer, and second is inner primer. Okay, so this is a target DNA which we want to amplify or hamara outer primer, it is present near to the target sequence or at the flanky region. This um, आउटर प्राइमर इज़ बीन प्रेजेंट सो और इनर प्राइमर हमारा प्रेजेंट होता है ऑन टू दी टारगेट डी एन ए सिक्वेंस सो वैन फर्स्ट एम्पलीफिकेशन विल हैपन वी विल गेट आवर और वी विल गेट अन वेड डी एन ए और अन वॉन्टेड एम्पलीफाइड डी एन ए और ये जो अन वॉन्टेड एम्पलीफाइड डी एन ए हैं We use it as a, and um, in that our target DNA is also been present. Or target DNA our inner primer present hota hai, and we want this target DNA to amplify. So this first amplicon, we use it as a, or we we use it as a template for the second process of amplification, because at the target DNA our inner primers are present.

as the name indicates here we actually start this process with the high temperature okay so it has been given name as hot start pcr okay so let's see about the first tag dna polymerase why we are looking about this tag dna polymerase because in this technique we modify this tag dna polymerase so let's talk about this पॉलीमरिज एंजाइम, टैग डीएनए एन इट इज़ अ थर्मोस्टेबल एंजाइम और इसका मॉलिकुला वेट होता है 94 फोर किलो डैल्टन इट इज़ वाइडली यूज इन द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एंड दिस टेक्निक वॉज डेवलप बाई कैरिमुलिस इन द ईयर नाइनटीन एटी थ्री एंड फॉर दैट ही वॉज अवॉर्डेड विद द नॉबेल प्राइज दिस टैक डी एन ए पॉलीमरिज वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टेरिया That is thermos aquaticus, which live in the hot springs. And um, this bacteria is polymer is enzyme. It is active at high temperature. And so we use this bacteria. That is thermos aquaticus. There are different types of this. पीसीआर एंजाइम्स आर एनजाइम्स टैक पॉलीमरिज हमने देखा एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सिंगल जीनस कॉल्ड थर्मस और उसके अलग अलग स्पेसीज हैं जिससे हम ये ये एंजाइम आइसोलेट कर सकते हैं दैट डिफरेंट स्पेशीज आर थर्मस एक्वेटिकस थर्मस थर्मोफिलस थर्मस फिलीफॉर्मिस थर्मस ब्रॉकियनस सो दिस आर डिफरेंट स्पेशीज अंडर सिंगल जीनस कॉल थर्मस सेकेंड एंजाइम हम यूज कर सकते हैं फू पॉलीमरेज पी एफ यू इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम दी आर्की बैक्टीरिया ऑफ जीनस पाइरोकोकस सो द स्पेशज आर पायरोकोकस पुरिसस पाइरोकोकस वोसी एंड सेकेंड जीनस इज थर्मोकोकस लिट्रोलिस ओके तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया से हम दिस हीट स्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट कर सकते हैं वॉट आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द कन्वेंशनल पी सी आर वाई वी आर यूजिंग दिस मॉडर्न पी सी आर टेक्निक्स दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर तो वही लिमिटेशंस है उसी लिमिटेशंस के वजह से कुछ मॉडर्न पी सी आर टेक्निक्स आए हैं ओके सो दैट

अन नॉट हमारा बट वी गेट वी डोंट गेट आवर टारगेट सिक्वेंस ओके कुछ अलग ही सिक्वेंस एम्पलीफाई हो जाती है सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड सेकेंडली दिस बाइंडिंग इज नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स टू एनी सिक्वेंस टू दी अनवॉन्टेड सिक्वेंस एंड दैट अन सिक्वेंस गेट एम्प्लीफाइड तो उस वजह से

विच इज़ परफॉर्म्ड मैन्युअली हम इसे मैन्युअली भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसे हम स्टार्टिंग में ही हाई टेम्परेचर देते हैं ऑफ 95 फाइव डिग्री सेल्सियस सो वी स्टार्ट दिस प्रोसेस बाय गिविंग हाई टेम्परेचर ऑफ़ 95 फाइव डिग्री सेल्सियस सो इट इज़ नोन एज हॉट स्टार्ट पी सी आर एंड इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पी सी आर अगेन इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द इट मिनिमाइज दी प्रोडक्शन ऑफ अन वटेड डी एन ए ठीक है जो अन वॉन्टेड डी एन एम्पलीफाइड होते हैं जब हम ये टेक्निक यूज करते हैं वी डोंट गेट दी अनवॉन्टेड डी एन ए सो इट मिनिमाइजेज द प्रोडक्शन ऑफ अन वटेड डी एन ए इट प्रिवेंट द टैक पॉलीमरेज टू प्रोड्यूस दी अनवॉन्टेड डी एन ए ये टैक पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है अन वॉन्टेड डी एन ए प्रोड्यूस करने से एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट द प्राइमर्स टू बाइंड इट्सल्फ और टू बाइंड टू द अन वॉन्टेड डी एन ए सिक्वेंस ओके सो दिस आर दर्टन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स विच वी वॉन्ट टू कंसिडर वैन वी स्टडी दिस हॉट स्टार्ट पी सी आर अब यहाँ पर जनरली क्या होता है वी एक्चुअली मॉडिफाई दिस टैक पॉलीमरिज हम क्या करते हैं ये टैक पॉलीमरिज एंजाइम मॉडिफाई करते हैं और उस मॉडिफाइड एंजाइम को हम बोलते हैं हॉट स्टार्ट टैक पॉलीमरिज ओके वी मॉडिफाई दिस नॉर्मल एंजाइम टैक पॉलीमरिज एंड दैट मॉडिफाइड फॉर्म इज नोन एज हॉट स्टार्ट टैक पॉलीमरिज ठीक है okay? enzyme, हम इसे कैसे मॉडिफाई करते हैं वी मॉडिफाई बाई एडिंग एंटीबॉडीज और यूजिंग सर्टन केमिकल्स इस तरीके से हम उसे मॉडिफाई करते हैं एंड देन इट इज रेडी टू यूज लेकिन ये जो हम मॉडिफाई करते हैं ये इन्ज़ाइम ये हाई टेम्परेचर पर फिर से इनएक्टिवेट हो जाता है ओके हाउ इट केयर्स दैट वी विल एक्चुअली सी वेन वी विल स्टडी द प्रोसेस हाउ एक्चुअली हॉट स्टार प्रोसेस इज हॉट स्टार पी सी आर इज़ परफॉर्म तो यहाँ पर वेलकम टू आवर स्टेप्स येस देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉटस्टार टैक पॉलीमरेज मतलब हम कैसे परफॉर्म करते हैं वी परफॉर्म जनरली बाय टू मेथड फर्स्ट इज एंटीबॉडी बेस्ट हॉटस्टार टैक एंड सेकेंड इज मॉडिफिकेशन टू प्राइमर्स पी सी आर रिएक्शन प्रिपरेशन विद आउट हॉटस्टार सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट मैथड एंटीबॉडी बेस्ट हॉटस्टार टैक पॉलीमरेज हम डायरेक्टली स्टेप्स की तरफ आएंगे सो so दैट ये हमें समझने के लिए आसान हो सो फर्स्ट ईयर वी यूज वी एड सम एंटीबॉडीज एज द नेम इंडिकेट एंटीबॉडी बेस्ट मीन्स यर वी यूज द एंटीबॉडीज और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर नॉर्मल टैक पॉलीमरेज इंजाइम को मॉडिफाई कर रहे हैं कैसे मॉडिफाई करेंगे और ये मॉडिफिकेशन टेम्पररी है नॉट परमानेंट ओके दिस मॉडिफिकेशन इज़ टेम्प्ररी कैसे मॉडिफाई करेंगे एक तो हम उसके साथ एंटीबॉडीज बाइंड कर देंगे या फिर हम उससे कोई केमिकल ट्रीटमेंट देंगे या फिर हम उसके साथ कोई प्रोटीन्स बाइंड कर देंगे ओके okay? तो इस तरीके से हम टेम्प्ररी उसे मॉडिफाई कर रहे हैं टेम्प्ररी उसका फंक्शन हम थोड़ी देर के लिए इनहिबिट कर रहे हैं ओके सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस हॉटस्टार टैक पॉलीमरेज या फिर हॉटस्टार पीसीआर सो यर फर्स्ट स्टेप इज वी एड सम एंटीबॉडीज विच कोट एंड बाइंड टू दी टैक डी एन ए पॉलीमरेज एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर सबसे पहले क्या लेते हैं हम एंटीबॉडीज लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेते हैं जो क्या करती है दिस एंटीबॉडीज सराउंड एंड बाइंड टू दिस टैक्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बट व्हेन एट रूम टेम्परेचर ओके आर मींस मीन्स रूम टेम्परेचर इसकी खासियत यह है कि ये रूम टेम्परेचर में ही रिएक्शन स्टार्ट करता है ओके एट द रूम टेम्परेचर ओनली स्टार्ट द रिएक्शन सो इट इज़ परफॉर्म मैन्युअली हम जो बोल रहे हैं ना मैन्युअली परफॉर्म करना मैन्युअली परफॉर्म की जाती है ये टेक्निक तो कैसे मैन्युअली परफॉर्म की जाती है यहाँ पर रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट होती है ओके मीन्स वॉट वी विल नॉट से द रिएक्शन बट वी विल से दिस एंजाइम एक्चुअली स्टार्ट टू वर्क एट रूम टेम्परेचर ओके ये एंजाइम ही अपना काम रूम टेम्परेचर से शुरू करने लगता है एंड देन फर्दर रिएक्शन इज़ कैरिड आउट ओके सो यर एंटीबॉडीज़ ये क्या करते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज़ को कोट करते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम था अब उसको जाकर एंटीबॉडीज़ बाइंड हो गए मतलब क्या ये हमारा मोडिफाई एंजाइम बन चुका है जिसे हम हॉट स्टार टैक पॉलीमरिज भी बोलते हैं ओके तो पहले स्टेप में एंटीबॉडीज बाइंड हो गए हमारे नॉर्मल टैक डीएनए एन को एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर अब जब टैक पॉलीमरिज एंजाइम ये मॉडिफाई होता है बाय जॉइनिंग एंटीबॉडीज और केमिकल्स एट रूम टेम्परेचर इट इज रेफर्ड एज हॉटस्टार टैक पॉलीमरिज नेक्स्ट स्टेप में क्या है

अब ये इनएक्टिव हो चुका है अब इसकी एक्टिविटी कब होगी जब हम इसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे अब ये इसके साथ एंटीबॉडीज़ बाइंड हो चुके हैं एंटीबॉडीज़ बाइंड होने के वजह से इसकी एक्टिविटी लूज हो चुकी है इट बिकम्स इनटू इनएक्टिव फॉर्म ओके और इट हैज़ बिकेम इनटू इनएक्टिव फॉर्म फर्दर

ट पॉलीमर इन तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं क्या करेंगे टैक पॉलीमरस के सराउंडिंग में बाइंड हो जाएंगे एंड इट विल नॉट इनिशियट द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन इट विल नॉट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन मतलब एंटीबॉडीज ने अब कब्जा कर लिया है टैक पॉलीमरस के ऊपर अब वो उसको छोड़ नहीं रहे ओके एट रूम टेम्परेचर अब एंटीबॉडी इज द बॉस बॉसियर नॉट अटैक पॉलिमर ओके बट नाउ गेम हैज बीन चेंज क्या होता है वेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट फर्स्ट स्टेप ऑफ पी सी आर रियक्शन दैट विल इनएक्टिवेट एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज विल गेट डिग्रेडेड ओके अब यहाँ पर पासा पलट चुका है गेम हैज बीन चेंज पी सी आर प्रोसेस अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पीसीआर प्रोसेस में ही पहली स्टेप में ही हम क्या करते हैं वी प्रोवाइड दी हाई टेम्परेचर ऑफ़ 95 डिग्री सेल्सियस 94 फोर टू नाइन्टी डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर में हमारा ये इंजाइम तो एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज ये इनएक्टिव हो जाते हैं एंटीबॉडीज स्टार्ट टू डिग्रेड एंड जैसे ही एंटीबॉडीज डिग्रेड हो जाएंगे हमारा जो एंजाइम है टैक पॉलीमरेज इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड वंस एंटीबॉडीज़ आर डिग्रेडेड एट हाई टेम्परेचर दिस एंजाइम जो नॉर्मल एंजाइम था ये एक्टिव हो जाएगा ये फ्री हो जाएगा और ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा मीन स्विच इट विल एलोंगेट प्राइमर स्पेसिफिकली एंड मेक द डिज़ायर्ड डीएनए इट विल मेक द डिज़ायर्ड डीएनए अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने एंटीबॉडीज ये क्यों बाइंड की थी टैक पॉलीमरेज के साथ द आंसर इज सिंपल टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल पी मतलब जो हमने नेस्टेड में देखा था कि देयर इज अर्ली एक्टिवेशन ऑफ टैक डी एन ए पॉलीमरेज ओके अर्ली एक्टिवेशन ऑफ टैक डी एन ए पॉलीमरेज अगर हो जाए तो हमें डिजायर्ड एम्पलीफाइड प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं सो टू स्टॉप दी अर्ली एक्टिवेशन ऑफ दिसक डी एन ए पॉलीमर हम इसको लॉक कर देते हैं एंटीबॉडीज के साथ रूम टेम्परेचर में ही ओके okay? और रूम टेम्परेचर में जब एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएंगे तब एंटीबॉडीज ये अपना काम करेंगे दे विल अपना काम करेंगे मतलब वो इनएक्टिव रखेंगे टैक पॉलीमरस को और जैसे ही हम पीसीआर स्टार्ट करते हैं हाई टेम्परेचर देते हैं तब एंटीबॉडीज डिग्रेड होने लगती है और एंटीबॉडीज अगर डिग्रेड जब हो जाती है दिस टैक पॉलीमरेज आर फ्री टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी और फ्री टू परफॉर्म दी एलोंगेशन ओके सो दिस प्रोसेस इज डन जस्ट टू और जस्ट टू स्टॉप अर्ली एक्टिवेशन ऑफ दिस टैक डी एन ए पॉलीमरेज सो दैट वी विल ऑप्टेन द डिजायर्ड एम्पलीफाइड प्रोडक्ट हमारा एम्प्लीफिकेशन ये ईजीली और विदाउट गेटिंग द अनवॉन्टेड प्रोडक्ट ये चलता रहे सो वी यूज दिस एंटीबॉडीज स्टेप और एंटीबॉडी प्रोटोकॉल ये डायग्राम ऑल्सो वी आर हैविंग ये हमारा टैक पॉलीमरेज है ओके सिंपल टैक पॉलीमरेज और इसको जाकर एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाते हैं जब एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाएंगे तब ये टैक पॉलीमरेज इनएक्टिव हो जाएगा ओके okay? मतलब ये कोई भी एलोंगेशन कैरी आउट नहीं करेगा कोई भी प्राइमर के साथ बाइंड नहीं होगा ओके बिकॉज एंटीबॉडीज़ आर बाउंडेड बट दिस एंटीबॉडीज़ गेट सेपरेटेड when we provide the temperature of 95 degrees celsius this stack polymer is get activated and properly it binds to the target sequence and uh, we will we'll get the desired amplified product okay so this is all the steps of this hot start pcr when we use the antibodies next is the modification to primers यहाँ पर हम प्राइमर्स मॉडिफाई करते हैं एंजाइम नहीं हमने पहले एंजाइम देखा था यहाँ पर हम प्राइमर्स मॉडिफाई करेंगे ओके हाउ वी विल मॉडिफाई द प्राइमर्स वी विल मॉडिफाई द प्राइमर्स बाय यूजिंग सम बाइंडिंग प्रोटीन्स ओके हम यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन्स यूज करते हैं एंड दैट इज टेम्पररी ये मॉडिफिकेशन सब टेम्पररी होता है जस्ट टू ऑप्टेन द टारगेट एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट ओके फर्स्ट वी यूज दी बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे बाइंड करेंगे ओके दिस प्रोटीन्स विल बाइंड किसके साथ प्राइमर्स के साथ ओके दिस प्रोटीन्स रिवेंट बाइंड विद द प्राइमर्स अनलेस एंड अनटिल कब तक, तक बाइंड रहेंगे जब तक स्पेसिफिक टेम्परेचर

अपने आप बाइंड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द प्राइमर डायमर्स सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइमर्स वी यूज द बाइंडिंग प्रोटीन ये बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट करता है प्राइमर को खुद से बाइंड करने से ओके okay? प्रिवेंट करता है डायमर फॉर्म करने से जब बाइंडिंग प्रोटीन ही उसके साथ बाइंड हो जाएंगे तो प्राइमर खुद से बाइंड होंगे ही नहीं ओके सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है ये बाइंडिंग प्रोटीन्स डिग्रेड होने लगते हैं ओके okay? और उसी समय आपका जो टैक पॉलीमर एज इंजाइम है ये भी एक्टिवेट हो जाता है एट दाई टेम्परेचर और ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा विद द हेल्प ऑफ डी एन टी पीज और हमारा जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये डिग्रेड होकर इट विल मूव आउट एंड दिस प्राइमर इट विल गेट बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस और उसी समय आपका पॉलीमरेज इंजाइम भी आ जाता है डी एन टी भी आप ऐड करते हैं और यहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता है टू बाइंड प्राइमर टू इट्स सेल्फ ओके सो दिस Primer get bind to the target sequence and we get our amplified product amplified desired product. So these are the steps used in this hot start PCR first we use the antibodies for the enzyme and second we use the binding proteins to prevent the primer dimers okay. So what are the advantages of this hot start TAC polymerase mainly advantages.

ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर से ही स्टार्ट होती है इसकी प्रोसेस रूम टेम्परेचर से ही स्टार्ट होती है सो so ये भी एक बेटर है इट कैन रिड्यूस द टाइम एंड एज देर इज नो इनिशियल डी नेचुरेशन स्टेप ओके यहाँ पर एंटीबॉडीज़ यूज करते हैं प्लस वी यूज़ दी बाइंडिंग प्रोटीन्स ये बाइंडिंग प्रोटीन्स एक्सटर्नली हम प्रोवाइड करते विच इज टेम्पररी ओके एंड वॉट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक द डिसएडवांटेज इज द एंटीबॉडी जो हम यूज करते हैं यहाँ पर द एंटीबॉडीज फ्रॉम हाइब्रिडोमा सेल्स विच कैन कंटेमिनेट द रिएक्शंस विथ मैमिलियन डी तो हम यहाँ पर एंटीबॉडी जो यूज़ करते हैं इट इज़ बीन यूज बाई दी सेल्स व्हिच कैन कंटेमिनेट आवर पीसीआर रिएक्शन सो सेल्स, दिस आर दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज ठीक है ये लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस हॉटस्टार पी सी आर इट रोड्यूसीज द स्पेसिफिक एम्पलीफिकेश प्लस इट इंक्रीज द Sensitivity increases the specificity and um, reduces the dimer formation, plus, it increases the copies of just target DNA and gives the high yield. Okay, so that is all about the hot start PCR. Thank you.